बंद करो परंपरा और मानवता की बातें। हम ही मानवता और परंपरा की बातें करते हैं और हम ही कुचले जाते हैं। दो राष्ट्रों के संबंधों के विकास की बातें करने वाले कुलमुख्य भूरी ग्रवा की बात मान ली जाए तो तक्षशिला के नागरिक ये निश्चित समझे कि शीघ्र ही तक्षशिला भी खंड खंड में बटा हुआ जर्जरित दिखाई देगा। जिन विदेशियों को शरण देने की बात आप कह रहे हैं, कल वे भी तक्षशिला की भूमि पर अपने अधिकार का दावा करेंगे। जिस मानवतावाद की दुहाई दे आप उन्हें शरण देने की योजना बना रहे हैं, उन्हीं मानवतावादियों की धरती कल धर्म जाति के संघर्ष से लाल हो उठेगी। धरती का कोई मानवतावादी उन संघर्षों के लिए उनकी तलवारों को नहीं रोकेगा। कल यही शरणार्थी आपके साथ और सभा में बैठेंगे और आपके निर्णयों को प्रभावित करेंगे। धर्म को जाति के नाम पर परंपराओं को कलंकित मत करो रिपुदमन। सत्य को स्वीकार करो भूरी ग्रवा। जहाँ तक्षशिला के भविष्य का प्रश्न है, वहाँ भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारा धर्म अलग, हमारी भाषा अलग, हमारा व्यवहार अलग। कल इन्हीं भेदों के नाम पर भेदभाव होगा और संघर्ष होगा। हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहते तो क्या वे अपनी परंपरा छोड़ेंगे? कल यही शरणार्थी आपके राज्य का अविभाज्य अंग होंगे और यही आपके सामने बैठकर अपने तथाकथित अधिकारों की मांग करेंगे। तब आपका मानवतावादी हृदय उन पर हथियार उठाने में संकोच महसूस करेगा। क्या पौर सभा मुझे आश्वासन दे सकती है कि कल शरणार्थियों के कारण गांधार खंडित नहीं होगा? क्या कोई पौर मुझे आश्वासन दे सकता है कि कल यही शरणार्थी अपनी मातृभूमि लौट जाएंगे? क्या पौर सभा स्वयं आश्वस्त है कि शरणार्थियों के पुनर्वसन के नाम पर शासन तक्षशिला की प्रजा पर नवीन करों का बोझ नहीं लादेगा? क्या सभा अध्यक्ष तक्षशिला के नागरिकों को वचन दे सकते हैं कि शासन शरणार्थियों का किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभों के लिए उपयोग नहीं करेगा?